हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा समझदार लोग क्या होते हैं। समझदार बहुत ज़्यादा माइंड की का जो सही से इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर लोग रिश्ते निभाने में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। जो झूठ का भी, हेराफेरी का भी, चंट चालाकियों का भी इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं उनको कहते हैं कि ये बहुत समझदार है और सही वो रिश्ते निभाना जानता है वो इंसान। और जो इंसान बिल्कुल सच और झूठ, हर चीज़ को दो चीज़ों, उनका नज़रिया सिर्फ़ एक होता है, सच और झूठ, झूठ क्या है और सच क्या है, इन पर जीते हैं। सिर्फ सच और झूठ, गलत और सही, जब आप इस नज़रिए से रिश्तों को देखना शुरू करते हैं, जीवन जीना शुरू करते हैं, तब आप रिश्तों में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के हिस्से फिर आता है दुख, पेन, तकलीफ, प्रॉब्लम, क्योंकि ये आजकल के लोग ऐसे हैं। यहाँ झूठ बहुत ज़्यादा चलता है और जब इंसान बहुत सीधा, सच्चा, सरल हो तो उसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत यार समझदार जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं ना, बहुत समझदार है भाई, बहुत समझदार है, वो समझदार लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी तरीके के दांव पेच लगाने पड़े, छल कपट करना पड़े, चालाकी होशियारी करनी पड़े, लेकिन रिश्ते निभाने में ठीक होते हैं। लेकिन जहाँ जो लोग आर्ग्यूमेंट करने लग जाए सच झूठ के ऊपर, गलत सही के ऊपर, वो इंसान चाहे अंदर से कितना भी क्यों ना सच्चा हो, लेकिन वहाँ पर लोगों के द्वारा उसको तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है, उसके ऊपर ब्लेम गेम होना शुरू हो जाती है। फिर वो इंसान सोचता है, यार मैं तो कभी किसी का बुरा ही नहीं करता, मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोला, लेकिन गलत तो ये खुद है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके साथ ही ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो ब्लेम गेम खेलने की पावर नहीं है, आपके अंदर वो दिमाग नहीं है। इसलिए आजकल की इस दुनिया में दिल से बहुत अच्छी बात है, आप दिल से जीते हैं, आप एक बहुत प्यारी सोल हैं, पवित्र आत्मा हैं, लेकिन आप जो है दिमाग से जीना शुरू करें, दिमाग का सही इस्तेमाल करें, ज़्यादा भावनाओं में मत बहें, अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तभी आप रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं, ठीक है। तो माइंड का भी इस्तेमाल करें। ज़्यादा दिल से जीने वाले लोग अक्सर अकेले बैठ करके बहुत रोते देखे हैं, बहुत रोते देखे हैं, और उनको चुप कराने वाला भी कोई नहीं होता। माइंड से खेलने वाले लोग लोगों के बीच में समझदार कहलाए जाते हैं, चाहे वो कितने चंट चलाक हो, कितने धूर्त क्यों ना हो, वो समझदार कहलाए जाते हैं। और सीधे सच्चे और ईमानदार लोग अक्सर पागल, बेवकूफ़, अकेला रहने वाली, अकेली रहने वाली, इक्कल खोरी टाइप के शब्दों का इस्तेमाल लोगों पर किया जाता है। तो थोड़ा सा आज दिमाग से जीना शुरू करें, दिल से थोड़ा कम जिए तो जीवन आपका आसान हो सकता है। थैंक यू।